काम को प्रोजेक्ट बनाओगे, चलो लो देखो भाई। फिनॉल वो बॉडी सबसे पहले जब आपके पास आई, यस सर, तो वो पता नहीं किस वार्ड की है, कैसी है बॉडी, ठीक है ना। तो ये कार्बोलिक एसिड जो C6H5OH है, बॉडी को धोने के बाद, देखिए धोते के साथ जो है वो इसका कलर, धोने के बाद जब ये फिनॉल को जब हम लगाएंगे तो उससे पूरी तरह से जो है वो बॉडी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ब्लैक होने लगेगी बॉडी, ठीक है ना। मतलब ऊपर हम इसको जो है वो जो मतलब बॉडी के ऊपर जो भी बैक्टीरिया वगैरह ये सब होगा उसको हम डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, जब उसके पास हम जाएंगे प्रिजर्वेशन के लिए, तो उससे पहले हम ये करेंगे, ठीक है। तो ये फिनॉल का जो है वो हम क्या करते हैं कि घोल बना लेते हैं, और घोल बना करके और इसके ऊपर पेंट कर देते हैं। पहले सबसे पहले बॉडी को धोते हैं, वाश करते हैं, वाश करने के बाद तब जाके फिनॉल का पेंट करेंगे, तब हम प्रिजर्वेशन करेंगे। प्रिजर्वेशन के बाद भी इसके ऊपर दो दो तीन तीन बार हम लेप करेंगे कि बाहर से जो है वो कोई स्किन का फंगस वगैरह नहीं लगे, ठीक है ना। और सूदिंग एजेंट के रूप में हम जो है वो उसमें ग्लिसरीन का यूज करेंगे कि स्किन जो है वो साफ रहे, ताकि जब आप डिसेक्शन स्टार्ट करेंगे तो वो आसानी से स्काल्पेल ब्लेड हैंडल से जो है वो जब आप फॉर्सेप्स से जब पकड़ेंगे तो वो आसानी से टिश्यूज वगैरह को जो है वो आप हटा सकें। वो और आप जानते हैं कि वेन, आर्टरी और नर्व, तो यहाँ पे जो है वो मैं एक इंसिजन लेता हूँ, ठीक है। ये नीचे हम लोग जो है वो इसको थोड़ा ले भी जा सकते हैं, हम इतना बड़ा लेंगे इंसिजन कि हमारा काम जो है वो चला जाए, ठीक है। ये बार बार जो है वो इंसिजन नहीं लेना चाहिए, एक ही जगह पे जो है वो लगना चाहिए, ठीक है। जितना बड़ा लेंगे तो फिर जो है वो दिक्कत होगी, दिक्कत ये होगी कि ज़्यादा एरिया जो है वो फटेगा। यहाँ पे फैन चलना चाहिए, वहाँ पर चला फैन नहीं चाहिए। हाँ नरवा में डाल के 15 करेंगे सब सोल्यूशन मिलाएंगे।
और अब जो हमने नया लिया है अभी इसी से मैं जो है वो पिछले 25-26-27 सालों से इसे कर रहा हूँ। अब ये समझ लीजिए मैंने इसको 96-97 में मैंने जो है वो इसको पहली बार यूज़ किया था आफ्टर 25 कितना दिन हो गया नहीं 25 तो नहीं 26 इतने दिनों से मैं उसको यूज कर रहा हूँ। अभी मैंने ये हटो आप ये डिफ्यूजर मैंने लिया है हालांकि अभी इसको सेंड करने का समय नहीं है नहीं तो मेरा विचार था कि इसी से यहाँ से केवल फ्लूइड हम डालते जाएंगे और ये जो है वो कैनुला है इससे जो है वो हम इजेक्ट कर देंगे। ये अभी मैंने रिसेंटली इसको मंगवाया है हो सकता है कि अगली बार जो है वो हम इसे प्रिजर्व करेंगे ठीक है। अभी वो सब टेस्टेड है हमारा इसलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना चाहते हैं कि उसी से हम लोग करें। सेल हो गया अपने एब्डोमेन स्वेल यदि कैनुला एक बार निकल जाएगा तो मैं बता रहा हूँ अब जो है वो कैनुलेशन आप नहीं कर सकते ये जानते हैं ना इसलिए कि इतना फॉर्मलिन वहाँ पर जो है वो स्मेल होगा और देख नहीं सकते हैं इरोजन हो जाएगा पूरा काक में वहाँ तो बस एक जगह पकड़े रहिए और धीरे धीरे जो है वो चलने धीरे धीरे चलाओ ब्लॉक है क्या मारना पड़ेगा